हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति मानवी जो है बताती है आरू को कि उसका टेस्ट होने वाला है और वो मॉम मान गई हैं उसको। तो आरू वहाँ बैठ जाती है तो मानवी बोलती है कि क्या हो गया तुमको, इस तरह क्यों बैठ गए, तुम्हें ये टेस्ट देना नहीं है क्या या कुछ और चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो आरू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि इतनी आसानी से तुम्हारी माँ मान कैसे गई। कहती है यार बड़ी आफत है, मतलब मान गई तो भी दिक्कत, नहीं मानती तो भी दिक्कत। हाँ कहती नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मानती तो भी दिक्कत या मान गई तो भी दिक्कत, बट बस जस्ट आस्किंग कि मैंने मनाया है और कैसे मान गई है। कहती सच में मान गई कि हाँ ऑब्वियसली मान गई, मैंने मनाया है ना। अब बेटी कुछ कहेगी और मान ही मानेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कहती हैं हाँ ये भी बात सही है, बट मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी आसानी से मान गई। कहती हाँ बाबा मान गई। कहती हैं चलो अच्छा है, अगर मान गई हैं तो मुझे सच में अच्छा लगा। वैसे करेंगी क्या? कहती है जो मैंने मौसी को बताया था तुम्हें, उन मौसी को तो बुलाया है। तो कहती है हाँ ठीक है, वो भी मेरा टेस्ट लेंगी। कहती है और क्या, नहीं वो भी टेस्ट लेंगी। कहती है अच्छा यार कैसे टेस्ट लेंगी, ये टेस्ट देना ज़रूरी है? तो मानवी कहती है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कहती है यार पता नहीं क्या पूछ लें, क्या कह दें, मैं क्या बोलूँगी क्या बताऊँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कहती तुम इतना डर क्यों रही हो, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, माँ है यार वो, सब ठीक होगा, बस थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो आरू कहती है बट बाबू अगर कुछ गलती हो गई तो हमारा रिश्ता दांव पे लग जाएगा। मानवी कहती है अगर हम लोग ऐसे ही डरते रहेंगे तो हम अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और एक बात सोचो ना, ये आज नहीं कल तो फैमिली के सामने आना ही था ना, तो आज आ गया तो इसमें क्या बात हो गई? हाँ कुछ भी नहीं हुआ ना, आना तो था ही, अब आज आ जाए या बाद में आ जाए, हाँ तो आ गया तो आ गया ना बाबू, अब बस इस सिचुएशन से हम दोनों को निपटना है, इस सिचुएशन से हम दोनों को बाहर आना है ना। तो बस उसके बारे में फोकस करो, उसके बारे में सोचो ना, इसके बारे में क्यों सोचना। कहती है हाँ ये भी बात तुम सही कह रही हो। कहती है तो बस वही चीज़ है ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में बात करो। तो कहती है कि बट हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट सोचने चाहिए। तो मानवी कहते जी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट सोचना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ऑलरेडी हमारे दिमाग में बहुत भरी हुई होती है। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे ना तो ये नेगेटिविटी हमारा दिमाग खा ले जाएगी और हमें पागल कर देगी। समझ में आया? तो कहती है कि हाँ आ गया समझ में। कहते हैं तो बस चिल आउट करो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इतना कुछ टेस्ट नहीं लेंगी, बस हमें इतनी बात का ध्यान रखना है कि हमें उनके सामने बिल्कुल नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ अपना लव साइड दिखाना है और कुछ नहीं। हम वैसे भी बहुत लड़ते हैं, इसी बहाने हमारे बीच की लड़ाइयाँ थोड़ा कम हो जाएगी। और हाँ तुम्हें मुझ पर पूरा ट्रस्ट रखना है, कहीं तुम हर बार की तरह मेरे ऊपर शक करने ना बैठ जाओ। तो आरू कहते हैं यार एक बार हो गया ना बाबू, बार बार तो नहीं होगा ना, ये आपको भी पता है, अब आप बार बार ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा जान, खुद भी तो बताओ आप हमेशा मेरे को ऐसे बोलते हो, ये तो गलत बात है ना। हाँ कहती है यार क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। तो मानवी कहते वो आरू कहती है तो एक बार हो गया ना, बार बार नहीं होगा, कितनी बार बोलूँ, हो गया जो होना था अब नहीं होगा। तो कहती ठीक है मैं मान गई नहीं होगा, मैंने तो बस इसलिए कहा कि तुम सच में अपना ध्यान रखो और जो भी होगा वो मैं खुद तुम्हें बता दूँगी, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ इस बात के लिए आपको बोला है ना। कहती है हाँ मुझे पता है। कहती है और इतना डर क्यों रहे हो, एक ना एक दिन तो ये एग्ज़ाम देना ही था, तो आज दे दिया, क्या बात हो गई इसमें फिर?
कहती है हाँ ये भी सही है, देना तो था ही एग्ज़ाम, आज नहीं तो कल, दे ही दिया। ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो अब वो ऐसे बोल देती है और कहती है क्या क्या करना पड़ेगा। कहती है ये तो मॉम ही बताएंगी और शायद वो कल या परसों तुम्हें घर बुला ले। कहती अच्छा, कहती अच्छा तब तक तो मुझे थोड़ा यार मानवी मैं तुम्हें खो नहीं सकती, अगर मैंने तुम्हें खोया ना तो मैं बिखर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, और मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें खो सकूं, तुम्हारे बिना रह सकूं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे अंदर अब, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल नहीं रह सकती। आई रियली रियली लव यू यार, मेरे अंदर अब और खोने का नहीं है हिम्मत। तो कहते नहीं खो रहे हो आरू आप मुझे, और कभी नहीं खोगे, आपको लगता है आपके बिना मैं जी पाऊंगी? हाँ तो कहते हैं कि मुझे पता है तुम भी नहीं जी पाओगी। कहते तो बस चाहे जो हमें मॉम का दिल जीतना है। तो अरु बोलती है और अगर नहीं हुआ तो? कहते आप पहले ही नेगेटिव सोच के बैठ जाओ, नहीं हुआ तो पॉजिटिव भी सोच लो यार, कब से कह रही हूँ पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, आपको समझ भी नहीं आता है। हाँ हद कर रहे हो। तो आरु चुप हो जाती है, एकदम शांत बैठ जाती है। तो मानवी उसके पास जाती है, उसको हक करती है और कहती है कि आरु बाबू प्लीज़ बी पॉजिटिव ना, बी पॉजिटिव, सब सही होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सही होगा, हम इतनी आसानी से हार तो नहीं मान सकते ना। इतनी आसानी से अगर हम हार मान गए तो आगे की चीज़ें कैसे होंगी जान, खुद भी तो सोचो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम खुद मेरी स्ट्रेंथ हो यार, और तुम ऐसे हार मान के बैठोगे, हिम्मत छोड़ के बैठोगे तो कैसे होगा सब। अभी तो मम्मी की बारी है, मम्मी मान गई तो सब इजी हो जाएगा, वो पापा को मना लेंगे, लेकिन अगर मम्मी नहीं मानी तो हम पापा को कैसे मनाएंगे, खुद भी तो सोचो। तो अरु कहती है, जब अरु मानवी को इस तरह परेशान देखती है तो कहती है अरे कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, हम मम्मी को मना लेंगे, मम्मी की चप्पल खानी हो, झाड़ू खाने हो, जूते खाने हो, जो भी खाना हो, बिलन खाने हो, मैं सब खाने के लिए तैयार हूँ, उन्हें मैं मना के छोड़ूंगी। तो कहती है ये सब करने की नीड ही नहीं पड़ेगी बाबू, मॉम अच्छी है यार, उस दिन एकदम से उन्होंने सडन ऐसे हमें एक साथ देख लिया था ना, बस इसलिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये कह के वो उसे हक कर लेती है टाइटली। 5-10 मिनट तक वो लोग ऐसे ही हक करके बैठे हुए होते हैं, उन्हें बहुत सुकून मिल रहा होता है इस तरह से हक करके बैठने में, एक दूसरे को फील करने में। तो मानवी जो होती है वो अरु के होठों पे किस करने लगती है, तो दोनों एक अलग मोमेंट क्रिएट होने लगता है। तभी मानवी की नज़र बाहर विंडो पे पड़ती है कि काफ़ी शाम होने वाली है। तो वो कहती है यार शाम होने वाली है, पता ही नहीं चला, तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चलता है। तो आरु कहती है कि मेरे को भी तो नहीं पता चला तुम्हारे साथ, मुझे भी वक्त का पता नहीं चलता सच्ची में यार, क्या बताऊँ कैसे कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील से जैसे चांद उतरता है, हौले से चुपके से कैसे मुझे तुम मिल गई। खैर मानवी उसको हक कर लेती है और कहती है हाय मेरी जान,
अब तुम जाओ। तो वो कहती सच में जाओ कि हाँ तुम जाओ, इससे पहले मॉम अंदर आए हैं, मुझे डिनर के लिए बुलाए, मैंने लंच भी नहीं किया है, आज मैं रूम से बाहर नहीं गई, मॉम भी मुझे बुलाने नहीं आई। क्यों? तो कहती पता नहीं क्यों, छोड़ो ना जाने दो। कहती हाँ तो आप तुम जाओ, इससे पहले हम पकड़े जाएं, तुम यहाँ से जाओ। तो आरू कहती नहीं ना जान, नहीं जाने का मन नहीं करता है, मन नहीं कर, प्लीज ना मुझे यही है, यही कबर्ड में छुपा दो। कहती है हाँ थोड़ी देर छुपाया था तो सांसें फूलने लगी थी, अभी फिर से छुपा दूँ? हाँ। तो कहती है हाँ मुझे यही कबर्ड में छुपा दो, मुझे नहीं जाना, मुझे यही पर सुला लूँ ना, यही छुपा के रखा करो मुझे। कहती है हाँ काश तुम टेडी बियर होते ना, तो मैं तुम्हें यही अपने पास रख लेती। आरू कहती है तो बना दो ना टेडी बियर, बस मुझे नहीं जाना तुमसे दूर। कहती जाओ ना प्लीज, वैसे भी कल परसों में मॉम तुम्हें बुला ही लेंगे ना, फिर हम साथ रहेंगे ना, जाओ ना अभी प्लीज। कहती मॉम बुला लेंगे तो टेस्ट लेने के लिए बुलाएंगे, और मुझे पता है वो मुझे तुम्हारे आस पास भी नहीं फटकने देंगे। तो कहती कुछ नहीं होगा, सब सही होगा, तुम अभी जाओ प्लीज, सच में बवाल हो जाएगा आरू, और जितनी सेटिंग मैंने की है ना सब सेटिंग बेकार हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाबू प्लीज़ ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड जान, प्लीज़ प्लीज़ बाबू प्लीज़ प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है जा रही हूँ, और ये कह के आरू वहाँ से विंडो से कूदती है और चली जाती है। दोनों की रातें नहीं कट रही होती हैं, आरू किसी तरह चली तो जाती है, बट उसका वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता अपने घर पे, और इधर मानवी का भी वही हाल होता है, उसका भी मन नहीं लग रहा होता। खैर थोड़ी देर में वो रूम से बाहर आती है कि यार मॉम को क्या हुआ है, तो रूम से बाहर आती देखती है इधर उधर, तो उसकी मॉम कहीं दिखाई नहीं दे रही होती, तो उनके रूम की तरफ जाते तो देखते हैं कि मॉम एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होती हैं वाया लैपटॉप, तो वो डिस्टर्ब नहीं करती और किचन में आती और कुछ बनाती है, और फ़ोन करती है आरू के पास और कहती है पहुँच गए कि हाँ पहुँच गए। कहती है तो फ़ोन भी नहीं किया। कहते यार फिर मुझे पता नहीं था ना तुम मॉम के पास हो या रूम में हो, इसलिए नहीं किया। तो कहती है यार बाबू एक मैसेज डाल दिया करो ना पहुंचने के बाद। तो कहती है ठीक है आगे से ध्यान रखूंगी। तो कहती है इतना सैड साउंड क्यों कर रहे हो? कह रहे यार मन नहीं लग रहा, तुमसे मिलने का मन कर रहा था ना बस इसलिए, और तुमने मुझे भगा दिया, तुम्हारे साथ आज रात गुजारनी थी। कहती हाँ ज़रूर आज की रात साथ गुजारते ना तो अगली रातें हमारे लिए विरह की रातें बन जाती। कहती क्या बन जाती? विरह की रातें? कि हाँ विरह की रातें बन जाती। तारो कहती नहीं 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 फिर अच्छा किया तुमने मुझे भगा दिया। तो कहती तो बस वही बात है ना, थोड़ा सा सब्र कर लो। कहती हाँ सब्र ही तो कर रही हूँ। तब तक उनकी मॉम उठने लगती हैं, ऐसा मानवी को एहसास होता है, और कहती है मॉम आ रही है शायद, तुम फ़ोन रखो बाद में बात करते हैं। कहती है ठीक है यार, बट एक बात बताऊँ मावो, तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो मानवी कहती सुनो जान, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। अब फोन रखो मॉम आ रही है, और ये कहकर वो फोन कट कर देती है। तो वो बाहर झाँकती है कि उसकी मॉम अभी आई नहीं। कहती फिर मुझे क्यों लग रहा है कि मॉम आ रही थी? तो अपने मॉम के रूम की तरफ जाती है, देखती है कि मॉम डोर खाली ऐसे लॉक कर रही होती है और बाहर आ रही होती है। कहती थैंक गॉड सही टाइम पे कॉल कट किया। तो वो उनकी मॉम फिर देखती है मानवी को, तो कहते हैं क्यों मानवी? कहती है हाँ मॉम मैं आपके पास ही आ रही थी, आज आपने लंच भी नहीं किया ना मुझे बुलाया लंच के लिए, क्या हो गया सब ठीक है ना? कहते हैं हाँ सब ठीक है, तो तुम क्या हो गया तुमको? तो कहती है मुझे क्या हुआ, मैं तो आपके पास आई थी पूछने के लिए, सब ठीक है ना? आपने बुलाया नहीं आज लंच के लिए। तो कहती है कि अरे मेरी आज मीटिंग थी, तो मैं दोपहर से मीटिंग में ही थी, अभी अभी फ्री हुई हूँ। कहती है अच्छा तो अब डिनर? कहती हैं डिनर तो मैंने बनाया नहीं है, एक काम करते हैं बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तो आज कुछ बाहर का खा लेते हैं। तो कहती है ठीक है मॉम बाहर का कुछ खा लेते हैं। तो कहते हैं ठीक है, फिर ये लोग बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं और खाना पीना खाते हैं, और वो अपनी मॉम से बातें करते हैं कि आरू को कब बुलाओगे। तो उसकी मॉम कहती है देखो मानवी ये सब मैं अपने हिसाब से कर लूँगी, ठीक है इन सब चीज़ों में तुम अभी मत पड़ो, अभी तुम्हारी मौसी को आने दो, कल शाम तक आएंगे, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे, ठीक है।
तो कहती है जी मॉम, और ये कह के मानवी अपने रूम में चली जाती है। रात को आरू और मानवी में काफ़ी टाइम देर तक बातें होती रहती हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि क्या करना है कैसे करना है। तो फिर वो ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और एज़ यूजुअली अपना काम करते हैं। मानवी को खैर घर से बाहर जाने की परमिशन तो होती नहीं है, तो वैसे ही जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपनी मॉम से थोड़ी देर बातें करके अपनी मौसी से फ़ोन पे बात करते और कहते हैं मौसी कब तक आ रहे हो? तो कहते हैं आ रही हूँ बेटा, शाम तक आ जाऊँगी पक्का। इतना ज़्यादा परेशान क्यों? कहते हैं प्लीज़ आओ ना मौसी, जल्दी आओ ना प्लीज़ यार, बहुत ज़रूरी काम है ना आपसे। तो कहती आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, इतनी क्यों बेचैन हो, आ रहे हैं। तो कहते मौसी मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। ये बातें बातें करके फिर वो ऐसे टेरेस पे चली जाती है और टेरेस पे घूम रही होती है। इधर जो है आरू की बेचैनी बढ़ रही होती है मानवी से मिलने की। तो आरू जो है अपनी कार उठाती है और मानवी के घर पे आ जाती है और वॉचमैन से थोड़ा जुगाड़ लगाती है और कहती है सुनो भैया, हैं इनकी मॉम? कहते हैं नहीं 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 साहब जी, वो तो अभी अभी बाहर गई हैं इनकी मॉम। तो कहते हैं सच्ची में? कि हाँ। कहते मैं जाऊँ मिल गया हूँ? कहते हैं हाँ जाइए। तो कहाँ है मेम साहब? कहते हैं वो देखिए ऊपर नज़रें उठाइए, मेम साहब तो वो खड़ी हैं ऊपर, खड़ी हैं मेम साहब। साहब जी, साहब जी, मेम साहब तक जो ऊपर से ही आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो कहते हैं ये ऊपर क्यों खड़ी है? तो ऐसे घूम रही होंगी मेम साहब, अब तो ये आप जानिए कि वो ऊपर क्यों खड़ी हैं। तो कहती अच्छा एक बात बताओ, मेन डोर से ही जाना पड़ेगा या ऊपर जाने का कोई और रास्ता है? तो कहते हाँ है ना, इधर से ये देखो ये जो सीढ़ी रखी है इस सीढ़ी से चढ़ जाओ आप ऊपर और उस रेलिंग को पकड़ के आप बात कर सकते हो उससे सपोर्ट लेके, कि उसके जो है टेरेस से थोड़ा छज्जा निकला हुआ होता है तो उस पर खड़े होके बात कर सकते हो। तो कहता अरे यार प्यार में बंदर भी बनना पड़ेगा। तो कहता साहिब जी अभी तो इम्तिहान है, अभी तो बहुत कुछ बाकी होगा साहिब जी। तो कहता है हाँ ठीक है, और वो कहती है और फिर वो जाती है और कहती है कि अच्छा ये सीढ़ी लगा लेना ठीक है। तो कहता है ठीक है, और वो जाके वो वॉचमैन सीढ़ी लगाता है और वो ऊपर आरू चढ़ जाती है और छज्जे पे जाके रेलिंग पकड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है ओ मानवी तुम्हारे प्यार में हम क्या क्या ना बने, कभी बने पागल कभी दीवाने और अब बन गए बंदर। तो मानवी एकदम सपलटती कहती आप यहाँ पागल हो गए हो क्या? मम्मी आ जाएंगी यार। कहते हैं यार अभी मम्मी नहीं है ना? कहते हैं अभी नहीं है तो कहते तुमने फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि मम्मी नहीं है? कहती है यार फिर तुम आ जाते मुझसे मिलने इसलिए। कहते अच्छा तो तुम्हें नहीं मिलना था मुझसे? कहती ऐसा नहीं है जान, मुझे क्यों नहीं मिलना था तुमसे, ऑब्वियसली मिलना था मुझे तुमसे, बट नहीं मिल पाई ना, काम था यार बाबू प्लीज़ ना समझा करो। तो कहते क्या समझूँ मैं, ऐसा क्या काम था तुमको कि तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए? जाओ यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, सॉरी तुमने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया। तो कहते हैं कि अच्छा सुनो ना आप इतनी दूर से यहाँ और इस पे कैसे आए? तो कहते हैं अच्छा अभी ध्यान आ रहा है मैं छज्जे पे खड़ी हूँ। तो कहते हैं कि मतलब आप कैसे काम करते रहे, तो गिर जाओगे चोट लग जाएगी आपको। तो कहते कुछ नहीं होता चुपचाप खड़े रहो, मैंने वॉचमैन को बुलाया वो बता देगा। और वॉचमैन इधर आके अपने जो है उसमें सो जाता है, जो उसका सिक्योरिटी गार्ड वाला रूम होता है उसमें सो जाता है। इधर जो है मानवी और आरू टेरेस रोमांस कर रहे होते हैं। मानवी आरू के फॉरहेड पे किस कर रही होती है और आरू ऐसे ही उससे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँ, तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, ये दूरियाँ कब ख़त्म होंगी? तो मानवी बोलती है बहुत जल्दी ख़त्म होंगी जान, बहुत जल्दी ख़त्म होंगी, थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा पेशेंस और फिर ये दूरियाँ नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी, हम तुम्हारे और आप हमारे हो जाओगे। समझ में आया? तो कहती हाँ आया ना समझ में, सब कुछ आया समझ में, ये भी समझ में आया कि अभी बहुत दूरियाँ हैं। तो कहती हाँ है लेकिन जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो कहती है आरू की यार तब तक इस छज्जे पे खड़े हो के तुमसे बातें करना पड़ेगा, तुमसे मिलना पड़ेगा। तो फिर वो कहती है अच्छा अब आप जाइए और अब शाम को मौसी आ रही है और कल तक शायद मामू आपको बुला लें, अब आप जाइए।
तो मानवी कहती, आरू कहती है यार थोड़ी देर और ना, थोड़ी देर और, कहती नहीं बिल्कुल नहीं जाइए आप। तो कहते अच्छा एक किस करो ना प्लीज़ फॉरहेड पे, प्लीज़ एक किस। तो मानवी उसके फॉरहेड पे किस करती है। तो ऐसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तब तक भाई साहब मानवी की मॉम गाड़ी लेके अंदर आ जाती हैं। और जैसे ही वो अंदर एंटर करती हैं, सीधे उनकी नज़र छज्जे पे पड़ती है कि वहाँ पे आरू खड़ी होके मानवी से बातें कर रही होती है। उसके मॉम का तो पारा हाई हो जाता है। अब देखते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है उनकी मॉम का। अब कल के पार्ट में सुनते हैं कि क्या होगा आरू के साथ। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।